हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट विलियम कैमडन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. विलियम कैमडन, ही वाज ए पियोनियर ऑफ एंटीक्वेरी. एंटीक्वेरी क्या होता है? मेन स्टडी ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरिकल मेथड यूज करते थे वो. ही वाज द वन हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल मेथड. दिस सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरी वॉज फाउंडेड अराउंड 1585. जो इन्होंने एंटीक्वेरी मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री की जो सोसाइटी एक बना रखी थी वो कब फाउंड हुई थी? 1585 में. ही वॉज द फर्स्ट टू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट लैंग्वेजेस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ रोमैनो ब्रिटिश कॉइन्स. वो पहले इंसान थे जिन्होंने जाना कि एंशियंट लैंग्वेजेस की क्या इम्पोर्टेंस है और एग्जिस्टेंस ऑफ रोमैनो ब्रिटिश कॉइन्स की क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, एंड लेट अस स्टार्ट द वर्क्स ऑफ विलियम कैमडन. विलियम कैमडन के वर्क्स, ब्रिटैनिका, द फर्स्ट वर्क इज ब्रिटैनिका. दिस वॉज रिटन इन लैटिन. ही इज स्टडीड इन ऑक्सफर्ड. इट इज ए टोपोग्राफिकल स्टडी ऑफ इंग्लैंड इन लैटिन. ओके, इट इज़ ए टोपोग्राफिकल स्टडी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इट इज़ ए काइंटी बाय काइंटी ए ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटेन एज ए आइलैंड. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है ब्रिटेन का. इसके अंदर इट इज़ ए काइंटी बाय काइंटी ए ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटेन. ओके, एज ए आइलैंड. बाय दिस ही प्रोड्यूस द कोहरेंट पिक्चर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. उन्होंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स निकाली थी ग्रेट ब्रिटेन की, उन्होंने प्रोड्यूस करी थी. ओके, द नेक्स्ट वर्क इज एनियल ऑफ द अफेयर ऑफ इंग्लैंड. एनियल ऑफ द अफेयर ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ एलिजाबेथ. ये लिखी गई है लैटिन में. ओके, इन दिस वर्क ही इज सपोर्टिंग किंग जेम्स एंड एलिजाबेथ. ड्यू टू दिस क्रिटिसाइज इट. उन्होंने सपोर्ट किया है किंग जेम्स एंड एलिजाबेथ को, और उसी वजह से जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया है इस वर्क के वजह से. एनियल्स में विलियम कैमडन ने इमेज बनाई थी, वो ही इमेज हम देखते हैं एलिजाबेथन की एंड किंग जेम्स की. ओके, तो उन्होंने उसे गोल्डन एज बनाया था, गोल्डन एज कहा था, बिकॉज ही सपोर्ट देम. कैमडन एलिजाबेथ और जेम्स वन को सपोर्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने गोल्डन एज बनाई थी, जिसी के वजह से क्रिटिक्स उनको क्रिटिसाइज करते थे. इसने मैरी क्वीन जो जेम्स की माँ है उसकी भी एक अच्छी इमेज प्रेजेंट की है हमारे सामने इस राइटिंग में. ओके, और रिमेन्स ऑफ द ग्रेट, द नेक्स्ट इज रिमेन्स ऑफ द ग्रेट वर्क कंसर्निंग ब्रिटेन. दिस इज द वर्क. दिस थ्री आर द वर्क्स बाय विलियम कैमडन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. और ये रिमेन्स ऑफ द ग्रेट वर्क कंसर्निंग ब्रिटेन, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एसे. ये कलेक्शन है हिस्टोरिकल एसेज का. ओके, दिस इज द ओनली वर्क दैट कैमडन रोट इन इंग्लिश. ये ही वर्क है जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा है. हमने देखा था कि ब्रिटैनिका भी उन्होंने लैटिन में लिखा है. एनियल ऑफ द अफेयर्स ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ एलिजाबेथ, वो भी उन्होंने लैटिन में लिखा है. लेकिन रिमेन्स ऑफ द ग्रेट वर्क कंसर्निंग ब्रिटेन उन्होंने इंग्लिश में लिखा है. ओके, दिस वर्क वॉज क्रिटिसाइज ए लॉट एंड सेज दैट. ये वर्क भी बहुत उनका क्रिटिसाइज हुआ था और कहा गया था दिस वर्क इज ए रूट रबल एंड रबिश. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. दिस वर्क इज ए रूट रबल एंड रबिश कहा गया था, क्रिटिसाइज किया गया था क्रिटिक्स के द्वारा. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. प्लीज़ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो. ओके, जो ये मैं नोट्स दे रही हूँ आपको, ये टॉपर्स के नोट्स हैं और आप इनमें से अपना शॉर्ट फॉर्म में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट वन. जॉन नॉक्स, ये एक ही वॉज ए स्कॉटिश मिनिस्टर एंड राइटर. ही वॉज ए स्कॉटिश मिनिस्टर, थियोलॉगेन एंड राइटर. स्कॉटलैंड इज ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन. उस टाइम पे
ब्रिटेन का पार्ट था ना, स्कॉटलैंड आयरलैंड एंड इंग्लैंड कंबाइनली कॉल्ड ब्रिटेन। ब्रिटेन किसे बोलते थे? स्कॉटलैंड आयरलैंड एंड इंग्लैंड कंबाइनली उसको ब्रिटेन बोलते थे। ओके और इंग्लैंड चाहता था कि स्कॉटलैंड प्रोटेस्टेंटिज्म में कन्वर्ट हो जाए हो, जबकि फ्रांस चाहता था कि इंग्लैंड कैथोलिज्म में कन्वर्ट हो। ओके ये इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। ही वॉज द मिनिस्टर इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ही वॉज द मिनिस्टर इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड थस ही वॉन्ट टू चेंज द कैथोलिक चर्च इंटू द प्रोटेस्टेंट चर्च। वो कैथोलिक चर्च को प्रोटेस्टेंट चर्च में चेंज करना चाहते थे। दिस इज द रीजन, दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ द पुरिटेनियम चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ओके वो ही फाउंडर है पुरिटेनिज्म चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के, उन्हीं को फाउंडर कहा जाता है। ओके विच इज द फर्स्ट, ही वॉज द एक्साइल टू इंग्लैंड, जिसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड से निकाल भी दिया गया था। ओके ड्यूरिंग हिज एक्साइल जॉन नॉक्स हैज़ लाइसेंस टू वर्क इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जब उनका एक्साइल था, देश निकाला था, उस टाइम पे उन्हें लाइसेंस मिला हुआ था कि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए लिख सकते हैं, टू वर्क वो काम कर सकते हैं। एंड ही रोज टू ए गुड रैंक अंडर द किंगशिप ऑफ एडवर्ड सिक्स। उन्हें एक गुड रैंक, अच्छी उपाधि मिली किंगशिप ऑफ अंडर सिक्स के उसमें राज्य में। ओके एंड बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स जो उन्होंने, जो टेक्स्ट है जो बाइबल के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है, उसकी मेकिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया था नॉक्स ने। यू हैव टू रिमेंबर दिस, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको साथ में बता रही हूँ वो भी आपको नोट करने हैं, और क्योंकि ये जो मैं बुक दे रही हूँ आपको, नोट्स दे रही हूँ, वो थोड़े शॉर्ट फॉर्म में है। ओके तो आपको वो भी याद रखना है। ओके और इनका वर्क था, एक ही वर्क था इनका, हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन ऑफ स्कॉटलैंड। ये 5 वॉल्यूम वर्क है। नॉक्स न ही प्रोटेस्टेंटिज्म की बात करते हैं इसमें और न ही कैथोलिज्म की बात कर रहे हैं। वो जो पास्ट इवेंट्स हुए थे उनके बारे में अपने गोल्डन व्यूज देते हैं कि कैसे हमें इन्हें, कैसे हम इन्हें रोक सकते थे। ओके जैसे कि आपने देखा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ पुरिटेनिज्म चर्च ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड। तो वो इसमें जो हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड है उसमें किसी की बात नहीं करते, वो सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे जो पुराने इवेंट्स जो हुए थे उनको हम रोक सकते हैं। एंड ही इज़ द लास्ट राइटर ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। आज हमारा एलिजाबेथन एज कंप्लीट हो गया है, अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके तो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस। ओके विच ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज कॉमेडी, विच ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज कॉमेडी, कौन सी फर्स्ट इंग्लिश प्रोज कॉमेडी है ये बोला गया। The answer is supposes. The answer is supposes. Okay, you have to remember this. Is which of the first English prose comedy? The answer is supposes. The answer is supposes. The next is which character in the Fairy Queen represent Mary Queen of Scots? Scots मतलब Scotland. Okay, कौन सा character है Fairy Queen का जो represent कर रहा है Mary Queen of Scots को? The answer is Dwaisa. The answer is Dwaisa. ओके द नेक्स्ट इज द टू नोबल किंग्समैन इज समथिंग इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ शेक्सपियर। टू नोबल किंग्समैन इज समथिंग इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ शेक्सपियर, कौन से थे? ट्रेजिक कॉमेडीज। द आंसर इज ट्रेजिक कॉमेडीज। द नेक्स्ट इज The statement made by Edgar in King Lear, ripeness is all, is an echo of. Ripeness is all, किसका echo है? The answer is Hamlet. Okay. The next is dash is the Shakespeare first tragedy. Shakespeare की first tragedy कौन सी थी? Titus Andronicus. ये इन्होंने collaboration में लिखी थी. ओके तो आपको ये याद रखना है, टीटस एंड्रोनिकस इज द फर्स्ट कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। ओके द नेक्स्ट इज इन विच
इन विच शेक्सपियर प्ले डज द बॉडी कैरेक्टर पेंडारस अपियर्स? पेंडारस कौन से प्ले में आते हैं? ट्रायलस एंड क्रिसिडा, ट्रायलस एंड क्रिसिडा चौसर ने भी लिखा था, तो ये इन्फ्लुएंस हुए थे चौसर से, तो इन्होंने भी ट्रायलस एंड क्रिसिडा सेम प्ले लिखा था, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड द नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज देयर एन इंडक्शन इन विच मिसचीव्स नोबल्समैन ट्रिक्स ए ड्रंकन टिंकर नेम्ड स्लाई इनटू द बिलीविंग ही इज एक्चुअली ए नोबलमैन बिलीफ. ये हमने सारा अपना कर रखा है शेक्सपियर में, ये मैंने सबसे पहले शेक्सपियर में आपको कराया था, द टाइमिंग ऑफ द श्रू, द टाइमिंग ऑफ द श्रू, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. आप मेरी वीडियो सीक्वेंसली देखिए तभी आपको समझ में आएगी और इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, 1% भी आपको बोरिंग नहीं फील होगा, बहुत अच्छा लगता है लिटरेचर पढ़ के और आपका इंटरेस्ट डे बाय डे इंक्रीज होता है, तो आप लाइन वाइज देखिए तभी आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में. ओके, द नेक्स्ट इज, बैकॉन्स नोवम ऑर्गनम टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम ए वर्क बाय. नोवम ऑर्गनम जो बैकॉन का, फ्रांसिस बैकॉन का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? द आंसर इज एरिस्टोटल, द आंसर इज एरिस्टोटल. द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द थिएटर इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, कौन सा थिएटर थे एलिजाबेथन इंग्लैंड के, कौन से थिएटर थे? तीनों ही थिएटर ही थे, द थिएटर, द रोज थिएटर, द कर्टन थिएटर, तीनों ही थे उस टाइम पे. ओके, तो द ये आंसर करेक्ट है. द नेक्स्ट इज, रॉबिन गुडफेलो इज अनदर नेम फॉर. रॉबिन गुडफेलो किसका अनदर नेम था? पक का. ओके, द आंसर इज पक. द नेक्स्ट इज, इन विच शेक्सपियर प्ले डज डू वी फाइंड द किंग ऑफ नवेरे एंड हिज नोबल कंपेनियंस वॉ टू स्टडी एंड फास्ट फॉर 3 ईयर्स. कौन से प्ले में था? लव लेबर लॉस्ट. ये प्ले मैंने डिटेल में नहीं करवाया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही करवाया था, तो आपको डिटेल में चाहिए तो हम डिटेल में भी कर लेंगे. ओके, तो लव लेबर लॉस्ट, मैं सारे प्ले शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट प्लेस डिटेल में भी करवाऊंगी. एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम हर प्ले डिटेल में भी करेंगे. ओके, द नेक्स्ट इज, इन विच प्ले ऑफ बाय शेक्सपियर इज द डेथ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट डिपिक्टेड. कौन सा वर्क है जिसमें डेथ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट दिखाया गया है? रिचर्ड टू. द आंसर इज रिचर्ड टू. द लास्ट वन इज, कंप्लीट द सेंटेंस, रीडिंग मेक्ट ए डैश मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. तो हमने ये पढ़ा था, फ्रांसिस बैकॉन का ऐसे है ये, तो आपको ये याद रखना है, मेरी लास्ट वीडियो इसलिए ज़रूर देखिए, आपको आंसर्स इसमें से 70-80% आंसर आप कर पाओगे अगर एक बार वीडियो देख लोगे तो. ओके, तो जाके प्लीज़ ज़रूर देखिए, तभी आप ये आंसर्स दे पाओगे. द आंसर इज रीडिंग मेक ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन. ओके, तो रीडिंग मेक्स ए फुल मैन. हम सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, तो मैं जिस टाइम पे तैयारी करती थी उस टाइम पे मुझे भी दिक्कत आती थी कि मैं कहाँ से अपना जो मटेरियल है वो कहाँ से लूँ. बहुत महंगी महंगी मैंने भी बुक्स खरीदी, तो मैं नहीं चाहती कि आप भी वही चीज़ सफ़र करें. आप सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस रखिए, मटेरियल सारा मैं प्रोवाइड कर दूँगी. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जल्दी से जल्दी आपको दे पाऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.